सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। रेगुलर रूटीन से अच्छा पशुधन दिखाने के प्रयास में सोशल मीडिया या हम कहेंगे हमारे चैनल से जुड़े हुए काफ़ी जाना माना चेहरा है, रूटीन से इनकी वीडियोस हमारे चैनल पे आ रही हैं और एक सच्ची और खरी बातें कहने में काफ़ी फेमस रहे हैं भाई, पहले भी अपने चैनल पे। आज की वीडियो हम लेके आ रहे हैं अजय, जिन्होंने अपने अच्छी क्वालिटी का पशुधन रख के अपना और अपने साथ में इनके जो गांव का नाम है उसको भी उसके कारण एक अलग सी पहचान बनाई है। अजय पलड़ा से, पलड़ा गाँव गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं भाई से मिलवाता हूँ और टोटल कितने पशु बिक्री के लिए जानेंगे। नमस्कार अजय भाई। नमस्कार भाई मन जी, सबसे पहले तो आपका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद भाई जी। आज टोटल कितने पशु हैं अजय भाई? आज अपने पास चार पशु हैं बिक्री के। चार पशु, वैसे वैसे कटड़ी अभी? वैसे और एक कटड़ी। तीन भैंस और एक कटड़ी। तो शुरुआत करें पहले नंबर की कटड़ी की, तो भाई साहब क्या डिटेल है इसकी? भाई ये खीरी कटड़ी है जी जी, और 8 तारीख से 5वें महीने में प्रेग्नेंट लगी, कंफर्म चेक पास, अभी चेक करवा रखी है ये। हाँ हाँ, माँ का रिकॉर्ड भी अच्छा है और फादर साइड HLDB का जो M29 बुल है। हाँ हाँ, उसकी खुद है ये। अच्छा, और आप पंचायती उससे प्रेग्नेंट है। अच्छा, पंचायती बुल से प्रेग्नेंट है। और इसकी माँ का दूध कितना था? माँ का दूध जी धनी ने बताया 23-24 किलो, माँ आज भी खड़ी है धनी के पास। अच्छा, आज भी है। एक बार इसको खोल लो भाई साहब, ये देखिए खीरी जोटी, शायद रूटीन से वीडियो जा रही हैं, एक 5-स्टार जोटी का टैग हम इसको देंगे। उस साइड ले चलो, जो फेस की क्वालिटी है आप लाखों भैंसों में घूम लेना, ये क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। और 5 महीने की प्रेग्नेंट साथ में, ये भी एक मैन जो लेने वाला भाई है उसके लिए काफ़ी एक बेनिफिट का सिस्टम, आने वाले 5 महीने के बाद ऐसी शानदार क्वालिटी की जोटी किसी जो पशुपालक इसे लेगा उसके घर पे तैयार होगी। ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की, छोटे हेड की, अगर जिन भाइयों की डिमांड रहती है कि बिल्कुल सींग है वो नींबू के जितना होना चाहिए, तो ये देखिए मेरे हिसाब से इससे छोटा सींग और इतनी शानदार फेस वैल्यू आपको किसी भी मुर्रा हीफर में काफ़ी कम देखने को मिलेगी। क्योंकि हमारा भी प्रयास रहता है कि अच्छा पशुधन दिखाएं, क्योंकि जो बायर्स हमसे जुड़े हुए हैं इस कटड़ी की। भाई मेरी हाइट 6 फुट है जी जी, हाइट लेंथ वजन भी बहुत बढ़िया है आज खीरी कटड़ी में जी जी। खीरी कटड़ी की और 2 दांत 4 दांत की अलग ही वैल्यू होती है, और अभी 5 महीने की खीरी कटड़ी साथ में देखिए इसका जो नीचे का सिस्टम है, अच्छी भैंस की कटड़ी होने के कारण जो इसके नीचे का जो सिस्टम है उसमें रिंकल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और जो थनों की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो अजय भाई ये बिक्री के लिए, हाँ जी भाई, वैसे प्राइस वगैरह क्या? प्राइस मौके पे ही करेंगे, मौके का ही होगा रेट। थोड़ी देखने वाले भाइयों को वीडियो में थोड़ी रेडनेस दिखाई दे रही है, लेकिन सामने से, बिल्कुल सामने से आपको जो सूरज के कारण ये रेडनेस दिखाई दे रही है, बाकी बिल्कुल जेड ब्लैक, बिल्कुल 2.5 से 3 इंच सफ़ेद, 3 इंच टेल सफ़ेद है। M29 जिसका क्रेज एक से डेढ़ साल पहले काफ़ी ज़्यादा क्रेज आया था, और ऐसी क्वालिटी की कटड़ियाँ जो M29 फेमस बुल है उसका जो रिजल्ट है वो आज आप भाइयों के बीच में है। बाकी माँ का दूध भी अच्छा है, आगे कितना दूध निकालती है वो तो जब बच्चा देगी तभी पता लगेगा। बाकी क्वालिटी वाइज बिल्कुल 5-स्टार जोटी हम इसको कहेंगे। और भी भाई के पास तोकड़ डिमांड, तोकड़ भैंसों की ज़्यादा रहती है, और भाई गुड़गांव से सटे हुए इलाके में हैं, यहाँ पे तोकड़ या बाखड़ी भैंसें काफ़ी मिल जाती हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी की। क्योंकि यहाँ पे जो एक दो पशु रखने वाले पशुपालक हैं वो भी मैं कहूँगा कि अच्छा पशु रखना पसंद करते हैं। तो अजय भाई इस भैंस की क्या डिटेल है? भाई ये तीसरे ब्यात में है जी जी, ये 4 महीने के करीब ब्याई ओड है जी जी, इसमें मौके का 12 किलो दूध है, लेकिन हम आपको 11 ही बताएंगे। 11 किलो, प्रेग्नेंट कितने दिन की? प्रेग्नेंट ये 7 तारीख को इसमें टीका धराया है जी, अभी ये 7 तारीख गई इसमें, और साथ में बच्चा क्या है? साथ में इसके नीचे कटड़ी है जी, बहुत शानदार नीचे कटड़ी। एक बार खोलना इसको भी, काफ़ी अच्छी केयर करते हैं भाई के पास, क्योंकि जो शौकीनी तौर पे पशु लेके आते हैं, भैंस देख सकते हैं आप बिल्कुल रिंग सिंग, और हाइट और लेंथ की बात करें तो काफ़ी शानदार क्वालिटी की। ये देखिए
इतनी हाइट वेट के पशु जो ब्रीडिंग के लिए लेते हैं जो पशुपालक, और इन्होंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि यहाँ पे अच्छा पशु मिल जाता है क्योंकि पैसे का सिस्टम, यहाँ पे पैसे वाली पार्टी हैं और पशु को ज़्यादा जो बाखड़ी होने की साइड चलती है तब नहीं रखते। 7 तारीख को प्रेग्नेंट हो चुकी है और काफ़ी बिल्कुल पतली चमड़ी की। ताज़ा ने कितना दूध निकाला था भाई? 20 किलो दूध ताजी ने 20 किलो दूध निकाल रखा है। आगे एक और जोटी है भाई के पास बिक्री के लिए, वो भी साथ में कटड़ी देख सकते हैं उधर आप, ये फीमेल काप साथ में जो सामने दाने पे लगी हुई है, ये देखिए जो जिस शेप में भैंस है, भैंस की टैल थोड़ी जो बाल है वो लंबा है लेकिन कटड़ी इससे भी कम जो वाइट टैल की है। ये देखिए आगे ये वाली भाई साहब, भाई मंजीत ये 6 दांत है दूसरे ब्याज की। जी जी, और ये कन्फर्म चेक पास 3 महीने की प्रेग्नेंट है और इसमें दूध है 13 किलो, हम आपको 12 किलो बता रहे हैं। अच्छा, ताजी ने कितना निकाला था? ताजी मेरे पास आई और इसने दूध दे रखा है 17-18 किलो जी। 17-18 किलो और अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, कन्फर्म प्रेग्नेंट है जी भाई साहब। एक बार इसको भी थोड़ा इस साइड बोल दो, चाहे खोल लो चाहे बोल दो। वैसे ये देखिए बिल्कुल छोटे सींग की, और इस क्वालिटी का पशु अगर आज की मार्केट रेट में हम देखें ताजी अगर ब्याई हुई हो तो कोई मोल नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी वाली जोटी। फेस वैल्यू आप देख सकते हैं क्योंकि एक चीज़ दिखाने का प्रयास कि जितना छोटा सींग, जितना छोटा हेड या जो कलर है या चमड़ी है, ये ब्रीड जो करेक्टर हैं ये पशु में देखे जाते हैं। ये देखिए जो क्वालिटी है थनों की, क्योंकि एक ताज़ी भैंस भी जब हम बिल्कुल 2 या 4-5 दिन की सुई हुई लेते हैं तो उस टाइम पे हम सिर्फ एक आंकलन करते हैं कि ये पशु तकरीबन इतना दूध निकाल देगा। बाकी भाई के पास 17-18 किलो दूध इसने निकाल रखा है, काफ़ी हम ये कहेंगे कारीगर जो थन इस जोटी का भी बहुत अच्छा है जोटी का। देखो जो एक पशु रख के या आजकल जो पेमेंट पशुओं की बढ़ी हुई है, ज़्यादा लागत न लगा के कम लागत से पशु तैयार करना चाहता है तो 3 महीने की प्रेग्नेंट है जिस भी पशुपालक के घर जाएगी 7 महीने के बाद ये बच्चा दे देगी। और तकरीबन इस बार हम उम्मीद कर सकते हैं कि 20 किलो से प्लस जोटी इस ब्यांत में आगे जब बच्चा देगी तो रहेगी। इसके साथ में बच्चा क्या है भाई? इसके साथ बच्चा नहीं है भाई मंजीत, बच्चा नहीं है, लगने में बहुत ठंडी है, कोली पे लगती है। अच्छा, दाना डाल के कोई भी निकाल ले, कोई भी निकाल ले। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है जोटी। एक और भाई के पास, मैं कुछ भाइयों के कमेंट्स थे 2 या 3 दिन से कि आप हमें तोकड़ भैंस दिखाएं क्योंकि ज़्यादा पेमेंट बढ़ी हुई है पशुओं की, और तोकड़ भी हम नहीं कह सकते। अगर कोई भी पशु 12-13 किलो दूध, 14 किलो दूध इस टाइम में निकाल रहा है तो हम उसको ज़्यादा ये कहें तोकड़ भी नहीं बता सकते। ये वाली अजय भाई, भाई मंजीत इस भैंस की फुल गारंटी है। हाँ हाँ, पिछले धनी का नंबर भी कोई भाई लेना चाहे तो नंबर भी दे सकता हूँ। जी जी, ये 6 तारीख से 4th महीने में प्रेग्नेंट लगी कन्फर्म। जी जी, 6 तारीख से, अभी ये 6 तारीख इससे, हाँ जी 4th महीने में प्रेग्नेंट लगी। इसने ताजा ने दूध काट रखा 21-22। अच्छा, आज इस खूटे पे, कल उस खूटे पे, परसों उस खूटे पे। अच्छा अच्छा, 21-22 किलो दूध काट रखा है। अब भी इसमें मौके पे फिलहाल 13 किलो दूध तैयार है। ब्यांत कौन सा है भाई साहब? ब्यांत तीसरे ब्यांत में है, तीसरे ब्यांत में। और मेरी उम्मीद इस बार इससे 25 की है। अच्छा, चौथी बार जब बच्चा देगी 25 किलो दूध निकाल देगी। और जो एक चीज़ भाई ने कही है कि जगह चेंज होती रही है क्योंकि भैंस जब उस टाइम पे बिकती रही है, अगर एक जगह रुक के अच्छी तरह कोई भी पशुपालक अगर रोक के दूध निकलवाता तो और भी दूध की उम्मीद ये इससे कर रहे हैं। इसका तो फुल प्रूफ है मेरे पास। हाँ हाँ, जिसके पास से आई है, मेरा भी दूध देखो, मेरे पास भी ये 16-17 किलो दूध पाई थी। जी जी, और अभी कितना है मौके का? फिलहाल इसमें 13 किलो 13 किलो दूध। और जो ऑर्डर की क्वालिटी आप देख सकते हैं टाइट, और जो थनों की क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी है। जोशीले ऑर्डर की है, थोड़ी कमज़ोर है जिस अब की बार अगर भाई, क्योंकि प्रेग्नेंट पशु दूध वाला पशु दूध देगा उस टाइम तक थोड़ी कमज़ोर दिखेगा। बाकी हाइट लेंथ भैंस की काफ़ी अच्छी, और उम्मीद ये है कि इस बार अगर तैयार हुई तो भाई का कहना है 25 किलो दूध। ये देखिए काफ़ी दूर से हम कवरेज में आपको इसकी जो अडर वेन दिखा रहे हैं जो अच्छी दूध वाली भैंस में मिलती हैं, और 24-25 किलो 20 किलो दूध की जो भैंसें हैं वो स्थिर अगर रुकती हैं कहीं पे तो ही दूध निकालती हैं। बाकी ये व्यापारिक लाइन में अगर कोई भाई ये सोचता हो 15-20 दिन में दूध बन जाता है, पशु घूमता रहता है जब तक सेट नहीं होता। जो भैंस की पीछे की बनावट आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी, और जो
साइड से आपको जो कोथ बोलते हैं या जो इसका रोमन सिस्टम है, यहाँ की जगह आप देख सकते हैं साइड से काफ़ी जगह है। अगर अब भी अच्छी केयर हो तो 14-15 किलो दूध पे फिर आ सकती है भैंस। ये देखिए बिल्कुल सिंगल हड्डी और पतली चमड़ी की, साथ में इनके पास एक, ये हम ये कहेंगे कि एक नगीना तैयार कर रहे हैं भाई। आने वाले टाइम में शायद किसी बड़े ब्रीडर के घर होती तो यही कटड़ी है उसका। आज जब बच्चे प्रेग्नेंट होते ही पेट में ही बिक रहे हैं तो वहाँ कितनी एज होगी इस कटड़ी की? भाई इसका प्रूफ है मेरे पास, ये 5.5 महीने की कटड़ी है। अच्छा अच्छा, तो इसका नीचे का सिस्टम देखो जी आप, 5.5 महीने की कटड़ी। और भाई का कहना था कि जो इसकी मदर है वो इन्होंने सेल कर दी और इस कटड़ी को अभी सेल करने का कोई विचार नहीं, मात्र 5 महीने की एज में बिल्कुल जेड ब्लैक टेल। और अभी नज़दीक कंपटीशन भी आ रहा है, बटाड़ा कंपटीशन। हम तो ये कहेंगे भाई को कि वहाँ पे ऐसे काफ को लेके जाएं ताकि जो बड़े ब्रीडर हैं उनको भी पता लगे कि जो हमारे आम किसान या जो साधारण पशुपालक हैं उनके पास भी इस क्वालिटी का पशु मिलता है। तो इसकी माँ का दूध कितना था भाई जी? भाई इसकी माँ का 24 किलो दूध पूरा प्रूफ के साथ HLDB में रिकॉर्ड है जी इसका। अच्छा जी। और ये खुद सीमन की नहीं पता जी? नहीं पता जी। एक बार इसको थोड़ी खोलना, ये देखिए मात्र 5 महीने की एज में। और इसकी माँ को सेल करे भी कितने दिन हो गए भाई? भाई 1 महीना हो गया। उस साइड ले चलो, 1 महीना हो गया इसकी माँ को सेल करे, मात्र 4 महीने की एज में अपनी माँ से अलग करके भी इतनी अच्छी क्वालिटी की काफ है ये इनके पास तैयार हो रही है। अगर किसी ब्रीडर के पास हो तो कोई मोल भी नहीं। और इसके 5 लाख रुपए मांगेगा भाई कोई ब्रीडर? बिल्कुल, बड़े ब्रीडर के पास हो तो वैसे भी 3-3, 4-4, 5-5, 10 बच्चे हैं भाई। इतना चौड़ा बच्चा किसी के पास हो तो मेरे को जरूर फोन करें एक बार। 5 महीने की एज में इतनी चौड़ा, अगर कैमरे के सामने कोई भाई देख रहा है तो उसको ये लग रहा होगा कि कैमरे में छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर आप आके देखें तो अच्छे खासे हम ये कहेंगे पहलवान को ये कटड़ी इधर से उधर घुमा सकती है, काफी चौड़े पीठ पुट्ठे की। जो आगे की बात तो जाने परमात्मा, बटाड़ा के लिए इसका तैयारी भी चल रही है, बटाड़ा कंपटीशन के लिए बिल्कुल लेके जानी चाहिए भाई साहब, बिल्कुल काफ रैली में लगाने के लिए। इतनी जो अच्छी कटड़ी ये तैयार हो रही है और इनका 5.5 महीने की कटड़ी है जी। शुरुआत में भी भाई ने ये कहा था कि हम भी इस कटड़ी के ग्राहक है, लेकिन अभी ये मना कर रहे बेचने से क्योंकि पहली बार हमने किसी पशुपालक को ये कहा है कि ये काफ हम खरीद के अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, लेकिन भाई मना कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको इनका जो पशुधन है कैसा लगा। जय भाई, एक बार अपना मोबाइल नंबर शेयर करें। 99 जी जी 53 जी 46 जी 02 जी 02 जी जी। तो अजय भाई का जो मोबाइल नंबर है वो रेगुलर स्क्रीन पे चल रहा है। अच्छी क्वालिटी का पशुधन दिखाने के प्रयास में आज की वीडियो, गुड़गांव इंडस्ट्रीज एरिया है फिर भी इतने अच्छी क्वालिटी का पशु रखने का जो शौक यहाँ पे भाई में दिख रहा है। साथ में ये एक शानदार क्वालिटी की मुर्रा हीफर जो खीरी कटड़ी है, हम ये कहेंगे कोई जोड़ नहीं कटड़ी का, बिल्कुल क्वालिटी तो फेस वैल्यू तो 7 स्टार कहें तो उससे भी आगे ऑप्शन है। 7 स्टार कहने से नहीं होती, ये होती है 5 स्टार और 7 स्टार। बिल्कुल फेस वैल्यू इस कटड़ी की बहुत ही शानदार है। और 8 तारीख से 5वें महीने में प्रेग्नेंट लग गई जी। 5वें महीने में प्रेग्नेंट, जब और 6 फुट हाइट है मेरी। जब 2 दांत होगी कटड़ी या बच्चा देगी उस टाइम तक अच्छी लेंथ निकाल लेगी और शरीर है गठिले शरीर की है। तो कोई भी भाई ये पशुधन देख रहा है अगर खरीदना चाहता है तो इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।